आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती है। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। पार्टी की जो डाउनफॉल आ रहे हैं सर, वो किस रीजन से आ रहे हैं? जैसे कि 2014 इलेक्शन के बाद हमारा डाउनफॉल कुछ ज्यादा हो रहा है, तो हमारे पॉलिटिशियंस आप आने वाले जो 2024 इलेक्शन से उसके लिए क्या कर रहे हैं सर? एक और चीज सर, जैसे कि पहले सर, सॉरी सर, इससे पहले जो एक क्वेश्चन में आपने कहा कि जैटेन को, जैसे कि बीजेपी का जो एमपी है, वो आप लोगों ने जिताया सर, आप लोगों ने नहीं, लद्दाख के लोग, हाँ लद्दाख के, पूरे लद्दाख के लोगों ने सर, आपने आपने तो नहीं जीता। जी जी सर, जी जी। इसमें सर एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि हमारा हाजी असगर अली करबलाई जो है वो कांग्रेस का चेहरा है सर, हमारे लिए एक बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिशियन है, बड़ा पॉलिटिशियन है। बट यहाँ पे मैं एक चीज हाजी असगर अली करबलाई से भी क्वेश्चन जरूर करना चाहूंगा सर। सर जब मैंडेट आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला, मैंडेट जो है कास बलवर ले को मिला, तो यहाँ पे आपका एज ए इंडिपेंडेंट खड़ा होना, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बीजेपी के जो सपोर्ट, शायद वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि उस वजह से पुश हुआ। तो इन फ्यूचर में सर मेरा यही कहूंगा कि अभी हम सब चाहते हैं कि वी शुड टू बी फ्री फ्रॉम बीजेपी, क्योंकि अभी ना कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, एवरीवन की, हर किसी का एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ही रिस्की में है सर। तो इसलिए अभी जो 2024 आने वाले इलेक्शन में हमारे पॉलिटिशियंस हमारे अपने पार्टी के लिए कितना लॉयल है सर, अगर ऐसी चीजें रहेंगे तो हम क्या 2024 में सत्ता में आ सकता है कि नहीं, इस चीज के बारे में सर। अभी आपने बोला कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल, कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है, आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है, और ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यही है कांग्रेस पार्टी। और आपने फर्क देख लिया है देश में, आपने फर्क देख लिया है, बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है, ठीक है? तो आप यह मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती है। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। और मगर आपको एक और बात समझनी है, आमतौर से क्या होता है लोकतंत्र में, एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ती है, सही है? आज हिंदुस्तान में यह नहीं हो रहा है। आज बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रखा है। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में फ्री एंड फेयर मीडिया है? आपको लगता है, आपको लगता है कि मीडिया हिंदुस्तान में न्यूट्रल है क्या? तो आपको यह समझना होगा कि बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण कर रखा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, सब पे आक्रमण कर रहे हैं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती, अगर मीडिया फेयर होता, अगर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस का कब्जा नहीं करती, तो पिछला चुनाव भी नहीं जीतते, मैं आपको गारंटी के कह रहा हूं। तो आप यह मत सोचिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रही है। यह जो हो रहा है, बीजेपी ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, लोगों को डरा रखा है, इंस्टीट्यूशंस को दबा रखा है, तो ये दूसरी तरीके की लड़ाई है। और तब भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी और जो हमारा इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हरा देगा। आप सब यहां आए, आप सबका दिल से धन्यवाद, जो आपने बात कही है। आप अगले सेशन में देख लेना, मैं आपकी ही आवाज पार्लियामेंट में उठाऊंगा। थैंक यू।